हेलो स्टूडेंट, आज जो वीडियो है आपके सामने क्लास 10th का साइंस का धेवन का वन शॉट वीडियो है। इसमें टोटल कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे लघु उत्तरी हो, अति लघु उत्तरी हो, चाहे विस्तृत उत्तरी, जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं टोटल मिला करके आप इनका एक डिटेल में वर्णन पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा जिससे आपके सारे क्वेश्चन का काम हो जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको चीजें, और इसके बाहर आपके आने वाला भी नहीं है, जो ऑप्टिक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का मैं एक वीडियो बनाया हूँ, देखेंगे जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप आपके ओएमआर में इस पार्ट से जो भी आएंगे आपके, उनमें से फंस जाएगा। मैंने 35 का 1 शॉट ऑब्जेक्टिव टाइप का एक वीडियो बनाया है, पहले पार्ट का, इसके बाद दूसरे पार्ट का, मतलब जैसे इस एक एक पार्ट का बना रहे हैं, क्रम बाय क्रम से बनाते रहेंगे। पहले पार्ट का आज हम 1 शॉट लेकर आए हैं, जिसमें से आपका क्वेश्चन लिखने वाला जो होता है आपका 4 नंबर वाला, वो आपको यहाँ पर से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते रहिए। आपका रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑल क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्स, तो आपको एग्जाम की नजर से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको देखना है। सबसे पहले हम पहुंचते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है, सारी चीजें यहाँ पर हम समझाएंगे और इससे बने क्वेश्चन आप हल कर देंगे। पहला है कि आपको क्या समझना है, यहाँ पर है रासायनिक समीकरण। क्या है सबसे पहले, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण आपको समझना कि आखिर रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण वह चीज होता है जो शब्द है आपका समीकरण, इसमें क्या होता है, अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर निशान लगा करके दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS में लिखा जाता है, और उसी प्रकार उत्पादों के बीच में प्लस लगा करके दाईं ओर RHS में लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है और यह अभिक्रिया होने वाली दिशा को दर्शाता है। मतलब सीधी सीधी बात बोला जाए, ऐसे ऐसी एक भौतिक अवस्था, एक एक ऐसा एक लाइन लिखी जाती है, ऐसे एक इन सिंबलों को जोड़ करके बनाया जाता है, यानी कि आपको प्लस द्वारा जोड़ करके बनाया जाता है और एक तीर का चिन्ह द्वारा बनाया जाता है। तो ये जो एक फॉर्म तैयार होता है, यही हमारा एक रासायनिक समीकरण का होता है। मतलब इसमें हमारे अभिकारक होंगे, पहला क्या होंगे, अभिकारक होंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है अभिकारक होंगे। ये आपका क्या होगा, LHS होगा। LHS मतलब आप समझ सकते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर क्या होगा LHS ये आपका, और इस साइड तीर के इस साइड आपका होगा RHS, RHS। तो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आपका कुछ प्लस में लगा करके रहेगा और राइट हैंड साइड भी प्लस में लगा के रह सकता है, मतलब इसके बाद भी कुछ भी हो सकता है आपको। तो आपका इधर भी 2 तत्व 3 तत्व तो बने, यौगिक बनेंगे, इधर भी 2 तत्व, और बीच में आपका एरो का चिन्ह होना चाहिए। ऐसी जो एक स्थिति तैयार होती है, जो ये आपका बनता है, यही आपका रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, ध्यान में रख लेना, बाकी आपको पूछे जाने में कोई जरूरी नहीं कि पूछा ही जाए, लेकिन आप समझते रहिए कि रासायनिक समीकरण ऐसा स्थित है, ऐसी भौतिक अवस्था है जिसमें हमें अभिकारक से उत्पाद को बनाया जाता है और तीर का चिन्ह होता है। तीर का चिन्ह जो होता है वो उत्पाद की तरफ होता है, मतलब आपका इधर साइड होता है, ये उत्पाद उत्पाद के साइड होता है, और प्लस द्वारा हम उत्पाद में भी प्लस लगा सकते हैं और अभिकारक में भी प्लस का चिन्ह यूज कर सकते हैं। तीन चिन्हों के यूज द्वारा हमारा रासायनिक समीकरण तैयार होता है। अब इससे रिलेटेड चीजें लिख सकते हैं आप, इसका इसका PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको। फेसबुक पेज हमारा जाके सर्च करिए टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल, आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ओके, टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिलेगा, ऑब्जेक्टिव का PDF हम दे दिए हैं। यहाँ पर देखिए, ये अब आ गया रासायनिक समीकरण लिखना। आपको जो रासायनिक समीकरण होता है, हम उस रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिख सकते हैं, रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार लिखेंगे, तो आपको पता है जो चीजें हमने बताया उसी को हम लिख देंगे। तो रासायनिक समीकरण मतलब आपने एक तत्व लिखा, जैसे यहाँ पर आप लिखे हैं, देखिए Mg, फिर उसके बाद आपने प्लस लगाया, फिर O2, फिर उसके बाद एरो का सिंबल, फिर उसके बाद MgO, मतलब Mg और O2 को जोड़ करके यहाँ पर MgO तैयार हो गया। ये जो एक दिख रहा है आपका, एक फॉर्म तैयार हो रहा है, एक रूप तैयार हो रहा है, एक अभिक्रिया बन रही है यहाँ पर, तो ये जो लाइन लिखी हुई है ना, यही तो है रासायनिक समीकरण। कैसे, शब्दों की जगह पर रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को, तो सीधी बात बोला जा रही है कि जहां शब्द होते हैं और उन शब्दों को, उन शब्दों की जगह पर उनके रासायनिक सूत्र का प्रयोग करें। मतलब हमें जल लिखना है और हम जल ना लिख करके हम इसको H2O लिख दें, तो इसका सूत्र हो गया। तो इन सूत्रों का प्लस और एरो के चिन्ह द्वारा हम जो भी बनाते हैं, यही हमारा रासायनिक समीकरण होगा। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर संतुलित पूछा गया। संतुलित मतलब समझ सकते हैं, जो संतुलित हो, मतलब आपने समीकरण को देखा ही, एक होता है LHS,
सिंबल के इधर आपका आर एच एस होता है, एल एच एस में जितने तत्व इधर हो उतने तत्व इधर हो, अगर दोनों आपका क्या हो बराबर हो, दोनों आपका अगर बराबर है दोनों साइड तो समझ लीजिए संतुलित है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जेड एन है और ये है, यहाँ पर भी ये है और इधर एच टू है। अब इधर टोटल हम अगर काउंटिंग करें तो दोनों साइड देखिए जेड एन इधर कितना है, एक है, और इधर कितना है, इधर भी एक है, मतलब ये कंप्लीट है जेड एन। एच टू यहाँ एच दो बार है, यहाँ पर भी एच दो बार है, ठीक है, एस एक बार है, एस एक बार है, ओ चार बार है, ओ चार बार है, मतलब ये हमारा संतुलित समीकरण। तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। मतलब तीर के दोनों साइड जो तत्व हो रहे हैं, जो परमाणु की संख्या है, वो हमारी क्या है, इक्वल है, बराबर हो, तो हमारा रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण, ये सब पता हो गया। इसके बाद हम अगले पेज पर चलते हैं। तो रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रासायनिक समीकरण उसको हम बता रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया, कौन सा है आपका संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया का दूसरा रूप आप दे सकते हैं एक आपका योगात्मक अभिक्रिया, समझने के लिए ध्यान देना बस वैसे, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, मतलब आपके दो तत्व हो, एक तत्व आपका ए हो गया और एक तत्व आपका बी हो गया, अगर इन दोनों को जोड़ दें और आपका एरो के सिंबल द्वारा रिएक्शन होने के बाद आपका ए बी बन जाए, क्या बन जाए, ए बी, तो यही हमारा हो जाएगा संयोजन। क्योंकि देखिए ए और बी, संयोग का मतलब योग, यहाँ पर योग, योग का मतलब प्लस, प्लस हो जाए, इन दोनों को प्लस कर दिए यहाँ पर जुड़ गया, तो ए और बी को जोड़ने बाद हमारा ए बी तैयार हो रहा है, ए एक तत्व है, बी एक तत्व है, एक तत्व यौगिक है, दोनों को जोड़कर यहाँ पर एक यौगिक बन गया। सीधे सीधे शब्दों में यहाँ पर देख रहे हैं एच टू है, यहाँ पर ओ टू है, दोनों को जोड़कर एच टू ओ बन गया। ठीक है, यहाँ पर एच टू तथा ओ टू से जल का निर्माण हो रहा है, जल का निर्माण, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ हो और उनको संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ऐसी जो अभिक्रिया होती है तैयार होती है वो हमारी संयोजन अभिक्रिया होती है। ये चीज हो गया आपका संयोजन, संयोजन अभिक्रिया समझ गया ना, दो या दो से दो हो या दो या तीन हो, सभी को जोड़ करके एक तत्व यौगिक बने, तो हो जाती है संयोजन अभिक्रिया यानी योगात्मक अभिक्रिया। ओके, चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है वियोजन अभिक्रिया, दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। वियोजन और अपघटन दो नाम है इसका, इसको कैसे है, आपने समझा था अभी कि यहाँ पर आपका दो दो तत्व थे, ए और बी थे, दोनों को हमने यहाँ पर क्या था, जोड़ करके आपने ए बी बनाया था। ठीक है, इसको जोड़ा तब ए बी बना, लेकिन यहाँ पर उल्टा समझिए, ए बी से आपका ए प्लस बी में तैयार हो, ए बी से आपका ए प्लस बी में तैयार हो, मतलब आपका ये वाला ना हो, उल्टा इसका, आपका योगात्मक जो आपने देखा उसका रिवर्स ये बन जाए। जब ऐसी हालात आ रही है तो हमारा हो जाएगा वियोजन अपघटन अभिक्रिया। यहाँ पर आपका एक या तत्व यौगिक हो वो दो या दो में टूट जाएगा, किसमें टूट जाएगा, दो में टूट जाएगा। जैसे देखिए आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में केवल एकल अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद प्रदान कर रहे, छोटे छोटे उत्पादक तौर उत्पन्न कर रहे हैं। देखिए ये दो दो या तीन बन जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक से दो या तीन टूटे, फेरा सल्फेट इधर था, इधर फेरिक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड बन गया, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, सल्फर बन गया, तो ये सारी चीजें अलग अलग बन गई ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं यह एक वियोजन अभिक्रिया है, गर्म करने पर फेरस सल्फेट जो है क्रिस्टल के जल त्याग दे रहा है और क्रिस्टल का रंग बदल जा रहा है, इसके उपरांत फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जा रहा है। देखिए तीन में वियोजित, और इधर एक और इधर एक और इधर एक, तीन में वियोजित हो गया, तो आपका एक से दो या तीन बन जाए तो ये हो जाता है अपघटन या वियोजन। ठीक है, इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव, अगर इसके बाद अगर आप हमारा वीडियो देखेंगे ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है, हम इन स्क्रीन पर भी लगा देंगे, उसको देख करके आप टोटल सॉल्व कर दीजिएगा, 100% आपको क्वेश्चन इसमें से करेक्ट करके आएंगे, आप वो मैर वाला भी करके आएंगे, इसको भी आप लिख लेंगे। ठीक है, मतलब दो या एक तत्व या यौगिक से दो या दो से अधिक तत्व का यौगिक टूट कर विभाजित होना, अपघटित होना, वही अपघटन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया होती है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला आ जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझते हैं, सबसे पहला काम समझते हैं विस्थापन की बात, क्या समझते हैं, विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है जगह छुड़ाना, जगह छुड़ाना, जगह छुड़ाना, ठीक है, जगह छुड़ाना, ये हो गया जगह को हटाना है, छुड़ाना। उसके बाद होता है प्रतिस्थापन, क्या होता है, प्रतिस्थापन, सेम एक दूसरे का उल्टा, जगह छुड़ाना तो ये जगह लेना, ये क्या हो गया, जगह लेना, जगह लेना, ठीक है, जगह लेना, तो ये दो काम से आप समझिए। अब अगर यहां पर एकल है, कभी कभी एकल है, एकल का मतलब हो गया एक, एकल का मतलब एक, और द्वि है तो इसका मतलब हो गया दो, अभी नहीं बातों समझ सकते हैं। अगर विस्थापन हो रहा है तो इसका मतलब कोई चीज जगह छुड़ा दे रहा है, कोई जगह छोड़ रहा है। यहां पर देख रहे हैं Na2 के साथ आप देखिए
थोड़ा पतला कर दी इसको। Na2 के साथ आप देखिए यहाँ पर Na2 के साथ तो आपको दिख रहा होगा SO2 है, SO4 है, और Ba के साथ आप Cl2 है। देखिए Na के साथ SO4 है लेकिन Ba के साथ Cl2 है, तो आप यहाँ पर देखिए द्वि का मतलब है दो बार, दो तत्वों का होगा, द्वि का मतलब दो तत्वों का, और एकल का मतलब एक तत्व पर, एकल का मतलब आपका एक तत्व पर हो, तो द्वि इसमें दो तत्वों का होगा। यहाँ पर SO4 किसके साथ है, Na के साथ, तो इसका मतलब SO4 Na के साथ है क्योंकि विस्थापित होगा, तो Na जो SO4 जो है आपकी बार Ba के साथ है। देखिए Ba के साथ NO4 आ गया, ये वाला Na के साथ आपको यहाँ पर देख रहे हैं SO4 जो यहाँ था ये ट्रांसफर होकर चला आया कहाँ पर, SO4 वाला चला गया आपका Ba के साथ, और जो Cl2 था हमारा ये चला गया यहाँ पर Cl, मतलब क्लोराइड जो है बेरियम के साथ था, बेरियम क्लोराइड था इधर, तो बेरियम क्लोराइड की जगह ये सोडियम क्लोराइड पे चला गया। Na के साथ, Na के साथ सल्फेट था हमारा, तो ये हमारा बेरियम सल्फेट चला, मतलब सल्फेट इधर सोडियम के साथ, क्लोराइड इधर बेरियम के साथ, तो सल्फेट आपका बेरियम के साथ और क्लोराइड आपका सोडियम के साथ चला जाएगा। आपस में द्विविस्थापन, दो तत्वों का विस्थापन हुआ, विस्थापन के साथ प्रतिस्थापन हुआ, विस्थापन मतलब वहां से वो हटा, वहां पर जाकर के प्रतिस्थापित हुआ। अब क्रिया को आप समझ गए, अब यहाँ पर समझ ऐसा क्यों होता है इस सारी चीजें में, तो छेप का निर्माण होता है, अन्य उत्पाद में सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। अब क्रियाएं जिनमें अवक्यारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन क्रियाएं अवक्रियाएं कहते हैं। तो मतलब यहाँ पर तत्वों के जो आपके अवक्यारक है उनके बीच के आयनों का आदान प्रदान हुआ, एक दूसरे में ट्रांसफर हुए, तो वो हमारा द्विविस्थापन अवक्रिया हो गई। इसको बात को समझ गए ना, सेम चीज यहाँ पर, जैसे हम ए और बी इधर है और प्लस यहाँ पर सी और डी है। अब यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया ए के साथ यहाँ पर बी है, पर ए के साथ यहाँ पर डी आ जाएगा, परंतु यहाँ सी के साथ आपका डी है तो यहाँ पर सी के पास बी आ जाएगा, कुछ ऐसी स्थिति तो द्विस्थापन हो जाती है। ठीक है, अगला चलते हैं, अगले पेज पर देख रहे हैं उपचयन या अपचयन अवक्रिया। उपचयन या अपचयन एक नाम होता है और दूसरा नाम क्या होता है यहाँ पर आपका होता है उपचयन यानी कि अपचयन। तो उपचयन और अपचयन में आपको समझना है, इसी तरीके से आक्सीकरण और अपचयन ये होता है उसको भी देखना है। देखिए अपक्रिया जो है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो कहते हैं कि इसका उपचयन हुआ है। जब ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो उसको कहते हैं हम क्या कि यहाँ पर उपचयन हुआ है। लेकिन जब अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो, कमी हो, यहाँ पर आपका क्या हुआ है, यहाँ पर वृद्धि, यहाँ पर ह्रास कमी हुए, तो उसका मतलब उसका अपचयन हुआ, उसका क्या हुआ है, अपचयन अपक्रिया, कुछ ऐसे में देखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये आपका यहाँ पर रेडॉक्स अवक्रिया भी, यहाँ पर कॉपर में देख रहे हैं ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड में जो है ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, और यह अपचयित हुआ, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ है। अर्थात किसी अवक्रिया में एक अभिकारक जो है उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तो इस अवक्रिया को उपचयन अपचयन अर्थात रेडॉक्स अवक्रिया। जिस क्रिया में उपचयन अपचयन दोनों हो, उपचयन और अपचयन दोनों हो, तो इसका मतलब कि वह रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, वो रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये चीज को समझना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका CU के साथ आपका क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर CU के साथ ऑक्सीजन हट गया, यहाँ पर H के साथ, यहाँ पर देखिए H के साथ आपका ऑक्सीजन इधर आ गया, तो ये ट्रांसफर हुआ ना, तो इसमें देखिए उपचयन हुआ। उपचयन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की वृद्धि, इधर में देखिए उपचयन में यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था पर यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया। सीधी बात वृद्धि के रूप में हम यहाँ पर योग भी लिख सकते हैं, इसमें योग हो और इसमें क्या हो, कमी हो, इसमें कमी हो यानी निकले, इसमें क्या हो, निकले, ठीक है, इसमें निकले, कुछ ऐसी स्थिति हो तब भी हम समझ सकते हैं दूसरी भाषा में। यहाँ पर उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है उसका योग हो जा रहा है, और जो आपका अपचयन हुआ है उसमें जो है आपका ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, कमी हो रही है यानी निकल रहा है। तो सीधे शब्दों में आप समझ गए होंगे, इसी तरीके से आपको वहां पर लिख देना, समझ जाना है ऑक्सीकरण और अपचयन, ये चीजें आपको समझ लेना है ठीक से। चलिए अगला देखते हैं, संक्षारण आ गया, अगला संक्षारण। संक्षारण मतलब आप समझ सकते हैं शब्दों से, संक्षारण मतलब होता है कि किसी भी तत्व या किसी भी धातु में हमारा उसका नाश होना, उसके जो स्थित होती है उसमें गिरावट आना, उसके जो मतलब उसकी सारी चीजें जो चमक होती है वो सारी चीजें उसमें क्या हो, बेकार हो जाना। जैसे यहाँ पर देखिए आपने देखा होगा कि लोहे की बनी वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद अगर उनकी लालिमा युक्त भूरे रंग जो उसमें भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, बाद में देखते हैं उसमें क्या रंग हो जाता है,
उसका भूरा भूरा रंग का परा चढ़ जाती है। तो यह प्राय इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। इसको तो आप बोलते हैं कि लोहे पर जंग लग गया। कुछ अन्य धातुएं भी ऐसा परिवर्तन करती है, मतलब ऐसा नहीं कि लोहे पर ही होता है, आप किसी अन्य धातु पर भी देखिए तो उस पर भी परिवर्तन है। यानी आप चांदी और तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग के पर ध्यान दिया होगा, चांदी और तांबे पर चढ़ने वाली परत का भी ध्यान दिया होगा। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता, यहाँ पर ध्यान, अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। मतलब वहां पर आर्द्रता हो, उसके साथ साथ आपके वायु का संपर्क हो, के संपर्क में आ रही है, तब तो वहां पर प्रक्रिया जो होती है संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत, चांदी की रंग के ऊपर क्या होता है काली परत, और तांबे के ऊपर हरी परत। इसको बहुविकल्पी में आपका इंटर होगा, ध्यान दीजिए, बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जाता है चांदी का रंग कैसा हो जाता है, तांबे का रंग कैसा हो जाता है, उसके ऊपर कैसी परत चढ़ाई जाती है, तो हरी, ये सब ध्यान देना। चरणा संचारण के अनुरूप, अब यहाँ पर सीधे शब्दों में बोलते हैं, संचारण एक ऐसी विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातु और मिश्र धातु के मुख्य रूप से ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और जलीय लवणों में परिवर्तित हो जाते हैं। संचारण के कारण तत्वों में मिश्र धातुओं का ह्रास होता है। उदाहरण के लोहे के संचारण को जंग लगना कहा जाता है। तो आप इन शब्दों से समझ सकते हैं कि संचारण आखिर क्या चीज है। संचारण को आपको लिखना है, बढ़िया से कंप्लीट कर लेना, ऐसे ही याद कर लीजिए इसका पीडीएफ से या बाकी अपनी बुक से भी। उसके बाद आता है विकृत गंधिका। विकृत गंधिका क्या है कि वसा युक्त जो होता है तैलीय खाद्य सामग्री होता है, लंबे समय तक अगर आप रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका स्वाद जो होता है आपकी गंध जैसी, मतलब उसका स्वाद जो होता है बदल जाता है, साथ साथ वो गंध भी मारने लगता है। तो उपचयित होने पर तेल वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। उपचयित होने जो तैलीय चीजें होते हैं वो क्या होता है, विकृत गंधी हो जाते हैं, स्वाद तथा गंध के में बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय वसा युक्त खाद्य सामग्री में उपचय रोकने वाले पदार्थ प्रतिकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। अगर वायुरोधी बर्तन में इसको हम रख देते हैं तो उसमें उपचयन की गति क्या होती है, धीमी हो जाती है, और धीमी हो जाती है तो इसका मतलब आपका शुद्ध हो जाएगा, मतलब ठीक से रहेगा विकृत गंध क्या वाले। तो चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके, उपचयन न हो। अगर उपचयन उसमें नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसमें आपकी विकृत गंधिका, क्योंकि यहाँ पर उपचयित होने पर तेल विकृत गंधी, उपचयन क्रिया होगी तब भी आपका विकृत गंधिका ज्यादा हावी होगा। तो ध्यान देना उपचयन वाली क्रिया ना हो। उपचयन वाली क्रिया में क्या बोला गया था आपको, यहाँ पर अभी जस्ट इसके पीछे हमने बताया था कि उपचयन वाली क्रिया में क्या हुआ था, तो आप देख लीजिए यहाँ पर उपचयन वाली अभिक्रिया में अभी बोला गया था आपको कि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, यानी ऑक्सीजन वहां पर ज्यादा हो जाता है तब आपका उपचयन हो जाता है। तो आपका ऑक्सीजन कम, जहां पर ऑक्सीजन कम हो वहीं पर आपका ये करेंगे तो आपको विकृत गंधिका वाला चीज नहीं, यानी जब वसा युक्त तो तेल खाद सामग्री को लंबे समय तक रखा जाए तो वह उपचयित तो होकर अपनी स्वाद गंध में खो देती है तो विकृत गंधी हो जाती है, विकृत गंधिका कहलाती है, सीधे शब्दों में ये बात है। ठीक है, इस तरीके से आपका इतना क्वेश्चन विकृत गंधिका था। बाकी इसमें इसके क्वेश्चन आपको क्या समझना है, संतुलित समीकरण अभी आपको और पढ़ना था, तो संतुलित समीकरण का हमने वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। बहुत इजी तरीके से संतुलित समीकरण को हमने बनाया, संतुलित समीकरण पढ़ना है अभी आपको, वही और पढ़ लीजिए इस पार्ट को कंप्लीट। आपको इतने ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, संतुलित समीकरण करना सीखना है, और हमारे वीडियो पर आपको लास्ट स्क्रीन पर वो वीडियो मिल जाएंगी, जरूर देख लीजिएगा एक बार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करेंगे, अगर व्हाट्सएप पर अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, टेक्नोप्लाजी नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पर सर्वे, वहां पर आपके कमेंट कर देना, आपको हम पीडीएफ भेज देंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप कमेंट करिए कि कौन सी वीडियो चाहिए, और हर एक पार्ट की हम मैराथन वीडियो, वन शॉट वीडियो लेकर आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव की और इस तरीके की, आपका संक्षेप में पूरा एक बार हम कंप्लीट करें, इस तरीके के पाठ को लेकर के आएंगे। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तक के लिए हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको भी सपोर्ट करिए। सभी बच्चे लोग वहाँ पर मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और यूट्यूब टिप्स और ट्रिक्स के साथ साथ बहुत बेसिक जानकारी आपको देते हैं जो किसी के द्वारा नहीं दी जाती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।